हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें टॉपिक आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलेशन जो है वो 40% वेटेज की है, और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स। तो आपको लिमिट के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले इसको लिखा कैसे जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू एनी कॉन्स्टेंट यानी ए, और यहां पर लिखा होगा कोई फंक्शन। ये फंक्शन अलग अलग होगा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप्स में आपको अलग अलग फंक्शन दिखेगा। आपको लिमिट पास कर देनी है, और जैसे ही आप लिमिट पास करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी एफ ए। यानी कि लिमिट पास करते ही आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये लिमिट लिखा है आपने, एल आई एम लिमिट से रिप्रेजेंट करते हैं, एल आई एम ये हट जाता है। ये पूरी संख्या हटने के बाद सिर्फ फंक्शन रह जाता है, और वहां पर भी x की जगह पर ये लिमिट रख दी जाती है a। ये लिखने का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम क्वेश्चन और इस प्रोसेस को हम आंसर बोलेंगे। यानी कि जो वेरी बिगिनर्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज तक लिमिट नहीं देखी, वो इस तरीके से लिमिट को सॉल्व करेंगे। ओके, वैसे अगर मैं बताऊं तो लिमिट का सिंपल सा मीनिंग है कि जो फंक्शन है उसकी रेंज यानी लिमिट का पता करना कि ये एग्जिस्ट करती है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी होती है, इन डिटर्मिनेट फॉर्म। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। लिमिट में जो आंसर आता है यानी कि ये जो आपका आंसर आया, ये कभी भी 0/0 या फिर a/0 नहीं होगा। हालांकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होने के बहुत सारे रीजन, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशन भी उनमें से एक है। आपकी क्लास में मेनली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इन्हीं कंडीशंस को लेकर आएंगी, लेकिन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की और भी कंडीशंस होती हैं। जैसे कि अगर आपके सामने इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव आ जाए तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 0 × इन्फिनिटिव आ जाए तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, या फिर आपके सामने माइनस इन्फिनिटिव यानी कि इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव आ जाए, या फिर आपको 0 की पावर 0 दिख जाए, या फिर आपको इन्फिनिटिव की पावर 0 दिख जाए, या फिर आपको 1 की पावर इन्फिनिटिव दिख जाए, ये कोई भी कंडीशन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को इंडिकेट करती है। यानी कि ये सारी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इनसे बचने के लिए हम 10 टाइप की लिमिट पढ़ते हैं मेनली, लेकिन आपके सामने यहां मैंने 11 टाइप की लिमिट लिखी है, देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिमिट आपके सामने ये लिखी हुई है 11। एक एक करके हम हर टाइप को लेके चलेंगे, और हर टाइप के क्वेश्चंस हम जरूर करेंगे। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखिएगा कि ये क्रैश कोर्स जरूर है, 1 मंथ के अंदर ये कंप्लीट जरूर हो जाएगा आपका कंप्लीट सिलेबस, लेकिन कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं कि हम कोई पार्टिकुलर टॉपिक को छोड़ दें। हाँ, क्रैश कोर्स का ये मतलब है कि उसमें प्रैक्टिस हमें कम करनी होती है। यानी कि जितने क्वेश्चंस आपके सामने आज होंगे, बस उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करिएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा जा सकता है। बस उन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है प्रैक्टिस, और अगर आपके पास समय है तो प्रैक्टिस भी कर लीजिए अदर क्वेश्चंस की। तो ये हमारे पास टोटल 11 टाइप्स की लिमिट है। अब हम एक एक करके इसे करेंगे, और ये दूसरी पहली दूसरी तीसरी टाइप्स ये दे रखी है आपके सामने। ये हम कब जाते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ टाइप के पास, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, हमें क्वेश्चन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल जाएगा। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है तो इससे बचने की कोशिश करनी है, और यही कोशिश इस टॉपिक को बनाती है। तो देखिए एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। तो टाइप पहला जो है, फर्स्ट टाइप जो हमारे सामने आता है वो है डायरेक्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये आपका पहला टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, आपको एक एक कॉपी पे करते चले जाने हैं। जो बिगिनर्स हैं उनको ये आसान लग सकता है, लेकिन वो भी करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ कितना करना है काम, आपको यहां पर लिखना है लिमिट पास कर देना है, यानी कि एक्स की जगह पर लिमिट रख देनी है।
इसका मतलब आपके सामने दो जगह x दिखते हैं, एक ये रहा x और एक ये रहा x, इन दोनों ही x की जगह पर आपको 1 लिख देना है और आपका काम हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे रखना है 1 वो देखिए, हमारा कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ये मैंने 1 लिखा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ओके। बहुत सिंपल है, सीधी सीधी वैल्यू रख देनी है, और जैसे ही मैंने वैल्यू रखी, मेरे पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये कंप्लीटली हट जाता है। बस ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को लिखा जाता है, वो भी एक्स की जगह पर लिमिट पास करने के बाद। तो जब हम रखेंगे तो आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, दैट इज 1, 1 इज द फाइनल आंसर। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया लिमिट के अंदर। कब तक ये मेथड एप्लीकेबल है? जब तक कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बन जाए। तो आपको ऊपर ही मैंने बताया है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, याद रखना, अपॉन में 0 आ जाता है तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। आपको अभी यही सीखना है, ठीक है ना, अपॉन में 0 नहीं आने देना। तो पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको खुद करना है ये क्वेश्चन। मैंने आपको कहा कि आपको होमवर्क भी साथ साथ मिलेगा, आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है, तभी ये कोर्स बहुत सक्सेसफुली आप सीख पाएंगे। देखिए, 2x² प्लस 3x प्लस 4, मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसे सॉल्व करके दिखाइए। ये आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको मैं बता देता हूं, लेकिन सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके सामने है 2, ये इसका आंसर है, मैं यहां पर इसका आंसर लिख देता हूं। आपको इसे सॉल्व करना है और आंसर ये मैच करके दिखाना है। जिस बच्चे को ये आंसर मैच नहीं हो रहा है, या जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। फिलहाल तो जो होमवर्क आपको दिया जाए उसको अच्छे से करिएगा। लिमिट पास कर देनी थी सेकेंड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन में भी लिमिट पास करनी है। ये देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 3√2x+3 अपॉन में x प्लस का 3, ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट पास कर देंगे, तो x की जगह पर आप 3 लिख देंगे। तो चलो मैं इसे करके दिखा देता हूं आपको। ये मैंने x की जगह पर जैसे ही 3 लिखा तो ये हो गया 2 × 3 + 3 अपॉन में 3 + 3। आप गौर से देखिए, जो रूट के अंदर संख्या लिखी हुई है, इसमें आपको 2 × 3 कितना होता है, 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, तो रूट के अंदर 9 आ जाएगा, अपॉन में नीचे आ जाएगा 6 डिनोमिनेटर में। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 3 अपॉन में 6, देन फाइनल आंसर हमारे सामने आ गया 1/2। आप देख सकते हो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, 3 × 3 एंड 3 × 2 = 6। तो बेसिकली 1/2 हमारा आंसर है, और ये आंसर हमने थर्ड क्वेश्चन का इजिली निकाल लिया। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है, लिमिट x→1 √x+8 अपॉन में √x। अब इसको भी आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है आपको साथ साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये फोर्थ क्वेश्चन जिसका आंसर 3 आ रहा है, आप इसे निकालेंगे, और अगर आंसर आ जाता है अच्छी बात है, आपका मैच कर जाएगा, तरीका मैंने बता दिया। लेकिन अगर आंसर नहीं आता तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यस, अब आप जान चुके होंगे, इसके लिए आपको कमेंट में ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, टाइप लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट x→a, और ये है आपके पास √x + √a अपॉन में x + a। तो कोशिश करते हैं, अगर ये आपसे नहीं होता तो मैं कोशिश कर लेता हूं इसे करने के लिए। आप x की जगह पर a को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा √a और √a अपॉन में a + a। समझ में आ रहा होगा आपको, अगर नहीं आ रहा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, मैथ्स में कुछ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये a की वैल्यू यहाँ x की जगह पर रिप्लेस कर दी, ये a की वैल्यू यहाँ x की जगह रिप्लेस कर दी। और रिप्लेस करते वक्त क्या ध्यान रखा, एक तो ये कंडीशन जो है कंप्लीट ये नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ इतना लिखा जाएगा। तो आप देखिए गौर से, सिर्फ इतना ही तो लिखा है, a की जगह, x की जगह पर a लिख दिया। तो ऐसा करने से हमें क्या मिला, देखिए, हमें ऐसा करने से हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है, और वो सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये आ चुका है हमारे पास सॉल्यूशन। ये देखिए, हम इसे लिखेंगे √a और √a, अगर मैं ऐड करूंगा तो
टू रूट ए होता है, याद रखना रूट ए और रूट ए को ऐड करेंगे तो टू रूट ए होता है, नीचे ए प्लस ए को ऐड करेंगे तो टू ए होता है। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप टू से टू कैंसिल कर देंगे या फिर इसे डिवाइड भी बोल सकते हो आप। जैसे ही डिवाइड करा आपका आंसर जो है वो ये आया, ये आपके पास आंसर है रूट ऑफ ए अपॉन में ए। आप देखो नीचे ए लिखा है और ऊपर न्यूमरेटर में रूट ए लिखा है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या के पास दो रूट होते हैं, यानी कि टू इज इक्वल टू रूट टू इंटू रूट टू। रूट टू की रूट टू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर टू आ जाएगा। इसी तरीके से ए लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, तो मेरे को ये ए नहीं दिख रहा, मेरे को रूट ए इंटू रूट ए दिख रहा है। तो इस हिसाब से अगर मुझे रूट ए इंटू रूट ए दिख रहा है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और नीचे एक रूट बचेगा, तो वो रूट कैसे बचेगा? इस तरीके से वन अपॉन रूट ऑफ ए, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझेंगे कि अगर आपको इस क्रैश कोर्स को करना है तो मेरा साथ देना ही होगा। आपको मेरे साथ साथ वो क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ वो करने हैं, और वो क्वेश्चंस जो होमवर्क दे रहा हूँ वो भी करने हैं, ठीक है? चलिए टाइप सेकंड के पास चलते हैं। टाइप फर्स्ट अगर आपको समझ में आ गई हो तो टाइप सेकंड के पास चलते हैं। टाइप सेकंड जो थी वो थी आपके सामने फैक्टोराइजेशन। फैक्टोराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है फैक्टर्स करना। फैक्टर कितने तरीके से किए जाते हैं पहले उसे सीख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट की ये समस्या होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि फैक्टर्स बेसिकली कितने तरीके से सीखे करे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ सारे तरीके, सारे तरीके आपको समझ में आ जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन में कुछ भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर करने का तरीका होता है, पहला आप कॉमन ले लीजिए, फैक्टर्स हो जाएंगे। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप कॉमन ले लेते हैं, अगर आ रहा है कॉमन तो फैक्टर्स हो सकते हैं। देखते हैं कौन सा पॉलिनोमियल, किसकी बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं कि आपके सामने लिखा है 3x² प्लस का 4x, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसमें भी ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे लाइक इसमें एक्स वाई जेड, तो उसे पॉलिनोमियल से इंडिकेट किया जाएगा। किससे? पॉलिनोमियल। ओके, नाइन्थ और टेंथ में नाम सुना होगा, हिंदी वाले बच्चों को बता दूं, हिंदी मीडियम में जो पढ़ते थे, इसे बहुपद कहते हैं, जिसके पद बहुत सारे होते हैं। ये पद है, पहला पद, दूसरा पद, ऐसे बहुपद होते हैं, उसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो समझना मेरी बात को, अगर पॉलिनोमियल में कोई चीज कॉमन आती है, जैसे कि यहां पर ये कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों कॉमन है एक्स। एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3x बचेगा, और यहां से x कॉमन ले लेंगे सेकंड वाली कंडीशन से तो बचेगा 4। आप गौर से देखिए, ये फैक्टर्स हो चुके हैं। ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल था और ये उसके फैक्टर्स है, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर, हिंदी में कहते हैं इसे गुणनखंड। तो क्या समझ में आया कि आप किसी भी पॉलिनोमियल में कॉमन लेके फैक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, फैक्टर करने का दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका आपके सामने ये है कि अगर कहीं कॉमन नहीं आ रहा होगा तो फिर फॉर्मूला लग रहा होगा। फॉर्मूला, यानी कि फैक्टर करने का दूसरा तरीका होता है फॉर्मूला लगा देना। जैसे कि क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं तो क्वेश्चन लिखा है x²-9, यह एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे? इसके फैक्टर्स बहुत आसान तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे x²-9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम लिखेंगे बिकॉज वी हैव ए फॉर्मूला a² - b² इज इक्वल टू a + b ब्रैकेट ऑफ a - b। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप एप्लीकेबल करेंगे। a की जगह पर आ गया आपके सामने x और b की जगह आपके सामने आ गया 3। तो जैसे ये फॉर्मूला आप एप्लीकेबल करेंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे x+3 and x - 3। तो क्या समझा आपने? देखिए दो संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में लिखी गई हैं, तो इसका मतलब हमने फैक्टर्स कर दिया, ठीक है? तो हमने किस प्रोसेस से फैक्टर किया? हमने किया है फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूले के प्रोसेस से फैक्टर किया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास फैक्टर करने का एक और तरीका होता है, और वो तरीका हमारे पास कौन सा है? देखिए ये तरीका है थर्ड, और ज्यादातर ये फेमस होता है, ज्यादातर बच्चों को आता है और कुछ बच्चों को ये मेथड नहीं आता है। इसे कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, यानी कि बीच वाली टर्म को ब्रेक कर देना, मिडिल टर्म स्प्लिट। चलो इसका एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है, जिनको नहीं आता प्लीज वो यहां पर अब सीख लें।
आपके सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। आप इस पॉलिनोमियल को फ्रैक्ट करना चाहते हो, यानी कि इसके फ्रैक्शन करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉपी करेंगे, देखो मैंने कॉपी किया, फिर प्लस को कॉपी करेंगे, ये मैंने प्लस को कॉपी कर लिया, देन फिर ये जो मिडिल में 5 लिखा है ना, इसको फैक्टर, इसके फैक्टर बनाएंगे, इसको फ्रैक्ट करेंगे। कैसे फ्रैक्ट करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, तो वो सीखिए। आप सबसे पहले इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट के साथ, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मान लिया जाता है, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 6। यानी कि अब मेरे को ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर 6 आए, और पीछे वाला निशान देखते हैं, याद रखना, आगे वाला निशान नहीं देखते, और प्लस करें तो 5 आए, प्लस करें उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 5 आए। ये स्लोगन आपको याद रखना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई कराएं तो 6 आए और जोड़ें तो 5 आए, ऐसी कौन सी संख्या होती है, तो दिमाग लगाएंगे तो ऐसी संख्या आपको जरूर मिलेगी, ऐसी संख्या होती है 3 और 2। 3 और 2 की जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 आता है, और 3 और 2 को ऐड करते हैं तो 5 आता है, तो हमें वो दो वैल्यू मिल गई जो इसका मिडिल टर्म ब्रेक बनेगा। तो 5 को ब्रेक करके हम लिखेंगे 3 प्लस 2, ये लिख दिया 3 प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, x को हम ऐसा का ऐसा ही कॉपी कर देंगे, कुछ नहीं करना, प्लस कॉपी करेंगे, 6 कॉपी करेंगे। तो आपने ये देखा कि हमने क्या क्या चीज कॉपी करी, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कॉपी कर लिया, बस बीच वाली टर्म को ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हो बीच वाले 5 को दो बार 3 प्लस 2 लिख दिया, और 3 प्लस 2 लिखा है, 4 प्लस 1 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा था, शर्त ये है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5 आए। तो मेरे हिसाब से तसल्ली से आपको समझना चाहिए ये फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो 3x प्लस का फिर 2x, मल्टीप्लाई कराना आपको आना चाहिए। आगे वाली दो संख्याओं में से कॉमन ले लीजिए, पीछे वाली दो संख्याओं में से कॉमन ले लीजिए, आगे वाली दो संख्याओं में से x कॉमन आ रहा है तो बचेगा x प्लस 3, पीछे वाली दो संख्याओं में से 2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x प्लस 3। फाइनली आप देखोगे तो ये दोनों संख्याएं एक जैसी दिख रही हैं, और हमेशा ये एक जैसी आएंगी, अलग अलग आ गई तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। यहाँ पर x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहां से कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस, यहां से कॉमन लेंगे तो बचेगा 2। तो गौर से देखिए, आपने मिडिल टर्म स्प्लिट या मिडिल टर्म ब्रेक से आपने इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए फैक्टर कर दिए। ये क्वेश्चन में देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि फैक्टर्स कैसे होते हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कहते हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही लगाई जाती है। और ये आपने कौन सी क्लास में सीखा है, थोड़ा बहुत तो 9th क्लास में भी सीखा होगा, फिर 10th क्लास में सीखा है। तो जो स्टूडेंट 10th तक पढ़ के आए हैं और पॉलिटेक्निक के कोर्स में एडमिशन लिया है, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में भी जरूर आएगा। देखिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे इसके बाद चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर करने का तरीका होता है वो होता है डिवाइड। ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, परेशान करता है, लेकिन इसको हम जब भी पढ़ेंगे जब इसका क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली मैंने आपको कहा कि फैक्टर करने के मेथड आपको सारे पता होने चाहिए, तो मैंने आपके सामने सारे मेथड लिख दिए। इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम भी होती है, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। हम कॉमन लेके फैक्टर कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के फैक्टर कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक से फैक्टर कर सकते हैं, और डिवाइड करके फैक्टर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से समझिए। इसके अंदर यही सेम टाइप थी, जो भी किसी टाइप के अंदर नए नए फॉर्मूले रूल या कोई भी चीज होगी उसे ध्यान से सुनिएगा, और फिर एक एक क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसको अपनी कॉपी पे जरूर करिएगा, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया, टाइप सेकंड की बात कर रहा हूं तो टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस का 5 एंड देन 2x² प्लस 9x माइनस का 5 अपॉन में, क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस 5, ये क्वेश्चन दे रखा है। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है इसे सॉल्व करना, हम लिमिट पास कर देंगे, यानी कि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, और मैं इसे लिमिट पास करके जरूर दिखाऊंगा। मैंने कहा जब पिछली टाइप करी थी मैं वही टाइप से इस क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी अलग नहीं दिख रहा, तो मैंने इसे करने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन मैं यहां आके फंस गया। और फर्स्ट कैसे गया, मैंने देखा कि माइनस 5 और प्लस 5 को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर 0 आता है, यानी कि ऊपर कोई सी भी संख्या आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे तो 0 आ गया ना, और नीचे 0 आने का मतलब वो फॉर्म कौन सी हो गई, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई।
तो आपको ये भी समझ में आया कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर ये हो चुकी है तो इससे बचा जा सकता है। तो बचने के लिए हम किसके पास गए? हम गए फैक्टराइजेशन मेथड के पास, यानी कि ये फैक्टराइजेशन की मेथड की हमें नीड पड़ी, यहां पर इसकी जरूरत पड़ी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसकी जरूरत पड़ी है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने का हम तरीका ढूंढेंगे, फैक्टर करने का तरीका ढूंढेंगे। तो फैक्टर कैसे कर सकते हैं, देखिए हम ऊपर वाली संख्या देखते हैं यानी कि न्यूमरेटर देखते हैं, तो हमें दिखता है मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि बीच की टर्म को ब्रेक किया जा सकता है। देखो खुद ब खुद क्वेश्चन हमें कई सारे जवाब देता है, तो हम इसे ऐसे ही कॉपी करेंगे और आपको भी कॉपी करना है क्योंकि लिमिट पास तो हो नहीं रही, तो कॉपी किया जाएगा। ऊपर फैक्टर कैसे करेंगे, अभी अभी जो मैंने बताया उसको रिपीट करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो 2 × 5 = 10 होता है। आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिसकी मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर 10 आए, और अगर उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाएं, वो दोनों संख्याएं घटाएं तो आंसर आना चाहिए 9। और मैंने घटाएं क्यों बोला, क्योंकि मैंने कहा था पीछे वाला निशान देखते हैं, देख सकते हो पीछे वाला निशान, घटाने पे 9 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या होती है कि मल्टीप्लाई कराएं तो 10 आए और घटाएं तो 9 आए? तो देखिए ऐसी संख्या होती है और वो संख्या है 10 और 1। अगर 10 और 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा, और 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 आएगा। तो मेरी शर्त पूरी हो जाती है, 10 और 1 मुझे वैल्यू मिल जाती है। तो इस वैल्यू के साथ हम क्या करने वाले हैं, हम पहले लिखेंगे 2x², फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 9 को, ये 9 जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे 10 माइनस 1। आपको समझ में आ गया होगा 10 माइनस 1 ही क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा कि 5 + 4, ऐसा क्यों नहीं लिखा 6 + 3। 10 माइनस 1 लिखने का रीजन था, हमें वो कंडीशन यहां सेटिस्फाई करनी होती है। देन यहां आगे x लिखा जाएगा, -5 लिखा जाएगा, अपॉन में x + 5 लिखा जाएगा, मतलब कि मैंने सारी कंडीशन सिर्फ कॉपी करनी है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। आगे अगले स्टेप में देखते हैं, लिमिट x→ -5 देन 2x² प्लस का आप मल्टीप्लाई कराएंगे, x की 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। x की 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। उसके बाद -5 अपॉन में x + 5। ओके अगले स्टेप के पास चलते हैं, तो आगे वाली दो संख्या जो दे रखी है ये इसमें से कॉमन लेंगे और पीछे वाली दो संख्या में से कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये होगा लिमिट x→ -5 देन आगे वाली दो संख्या में से कॉमन कैसे आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या आपके सामने, बचा है x। देखिए 2x² में से अगर 2x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, प्लस अगर 10x में से 2x कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेगा। पीछे वाली दो संख्याओं में से आपको माइनस का 1 कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं होता तो माइनस का 1 ले लिया जाता है, तो बचेगा क्या, x + 5। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x + 5। आप देखेंगे तो न्यूमिनेटर के अंदर x + 5 दोनों में सेम है, ये देखिए ये आपके सामने ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये दोनों सेम वैल्यू है, इसका मतलब कॉमन लिया जाएगा और मैंने कहा था हमेशा ये सेम आएगी। ये मैंने x + 5 को कॉमन ले लिया, तो जैसे ही मैंने x + 5 कॉमन लिया मेरे सामने बचा क्या, बचा है 2x - 1। तो बचा क्या, नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, x + 5। अब गौर से देखेंगे कि हम इतनी सारी कैलकुलेशन जो ऊपर से करते आ रहे हैं मैथ्स की, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे वाली संख्या को हटाना है। नीचे वाली संख्या को क्यों हटाना है, क्योंकि ये नीचे वाली संख्या हमें परेशान कर रही है, ये नीचे वाली संख्या हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रही है। तो मैंने देखा कि ये कैंसिल हो गया, आप भी देखते हो ये कैंसिल हो चुका है यानी डिवाइड हो चुका है। अब जो संख्या बची उसे लिख लेते हैं, पहले लिमिट x→ -5, और जब लिखेंगे तो आएगा आपका आंसर -5 - 1। सॉरी मैंने लिखना था सिर्फ, मैंने तो लिमिट भी पास कर दी, आप चाहो तो डायरेक्ट लिमिट पास कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लिमिट पास नहीं कर सकते, तो लिमिट डायरेक्ट पास भी हो सकती है, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल मुझे ये लिखना है, तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर x - 1। तो समझ में आ गया आपको, मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है, कट करने के बाद जो बचा उसमें वैल्यू लिखी है, लिखने के बाद मैं लिमिट पास करूंगा तो आएगा 2 (-5 - 1), सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -11, एंड -11 इज द फाइनल आंसर। होप सो आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। अब आपका होमवर्क बनता है, अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होमवर्क है वो क्या है, देखिए लिमिट x→3 x²-4x + 3 अपॉन में उसके बाद है x²-2x - 3।
आप देखेंगे ये होमवर्क है तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर मैं इसके सामने लिख देता हूं, इसका आंसर है आपके सामने 1/2। आप इस आंसर को मैच करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, अभी जो बताया उसी को फॉलो करेंगे। नहीं आएगा तो मैंने आपको बता दिया है मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है गूगल क्लासरूम, उसमें मैं आपको एंटर कर सकता हूं। लेकिन जब आपको नहीं आएगा तब आप मुझे कमेंट करेंगे, देन उस कमेंट का रिवर्ट या जवाब मैं आपको दे दूंगा, और इस क्वेश्चन को या इस जैसे कोई से भी क्वेश्चन इस कोर्स में होंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिट एक्स टेंस टू 3 देन एक्स की पावर 4 माइनस 81 अपॉन में एक्स की पावर 2 माइनस 9। तो आप गौर से देखेंगे कि पहले तो हमारी प्रायोरिटी लिमिट पास करने पे होनी चाहिए। जैसे ही मैंने 3 यहां एक्स की जगह रखा, मुझे परेशानी हो जाएगी क्योंकि नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 9 यानी कि 9 माइनस 9 जीरो आ जाएगा और ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। तो आपको स्टूडेंट्स पता लग रहा है कि हम क्यों दूसरे टाइप के पास जा रहे हैं, क्योंकि पहला वाला टाइप हमारा फेल हो गया। तो दूसरे टाइप की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे दूसरे टाइप में, हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स करने की कोशिश करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है यहां पर ये 4, तो मैं इसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आप भी इसे ऐसा लिख सकते हो। माइनस यहां पर ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने 81, तो इसे लिख सकते हो आप 9 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपको ऐसे के ऐसी संख्या कॉपी कर लेनी है, कुछ नहीं करना। अब गौर से देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा इसका। अब फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो होप्सो आपको समझ में आ गया। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा होता, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो इसी को फॉलो कर लेते हैं। यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू 3 दे रखा है, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 9 फिर ब्रैकेट क्लोज देन एक्स स्क्वायर माइनस का 9, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में तो वैसा का वैसे ही कॉपी कर लेंगे। तो गौर से देखिए, जो नीचे संख्या थी वो हमें परेशान कर रही थी और अब वो संख्या हमारी हट चुकी है। जो नीचे संख्या है जो हमें परेशान कर रही है, अब वो संख्या हमारी, और किस तरीके से हट जाएगी वो देखिए, ये मैंने इससे कैंसिल कर दिया। सॉरी, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला कैंसिल हो गया। तो जैसे ही ये कैंसिल हुआ हम लिमिट पास कर देंगे, और लिमिट पास करेंगे तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस का 9। क्या लिमिट पास पहले की जा सकती थी? नहीं की जा सकती थी, क्योंकि नीचे देखिए माइनस जब तक है, जब तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, जब तक लिमिट पास नहीं कर सकते। और लिमिट पास जब की जाती है तब ये लिमिट, ये वाली लिमिट, ये हट जाता है। पूरा प्रोसेस जब ही हटता है जब लिमिट पास की जाती है, यानी उससे पहले देखेंगे तो मैंने उससे पहले लिमिट लिखना जारी रखा था। ये क्वेश्चन था, ये भी लिखा, ये भी लिखा, हर बार लिखना है आपको भी। नहीं लिखोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी और उस पर नंबर कट भी जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 9 और 9 9 18 हो जाता है, ये आपका आंसर है। तो होप्सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी जैसा अगला क्वेश्चन जरा मैं आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th देख लीजिए, आपके सामने लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू 2 एंड देन एक्स क्यूब माइनस का 8 अपॉन में एक्स की पावर 2 माइनस का 4। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको सॉल्व करते वक्त एक समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने कुछ ऐसे होगा, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और फॉर्मूला है ए माइनस बी ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है। दूसरा फॉर्मूला जो नीचे लगेगा वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आप इसे एप्लीकेबल करेंगे और इसका आंसर भी साथ साथ मैं लिख देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर हमने क्वेश्चन सॉल्व तो कर दिया बट आंसर पता नहीं है। तो इसका आंसर 3 आएगा, हालांकि पेपर में आंसर नहीं पता होता आपको, बट प्रैक्टिस में आपको आंसर निकालना आना चाहिए, उसे मैच करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लीजिए आप किस तरीके से लिखा है, ये भी आपका होमवर्क है वैसे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन में एक्स की पावर 3 माइनस
3x² प्लस का x माइनस 3। अब दिमाग लगाइए इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता वो मुझे बताएंगे, और जिसको सॉल्व करना आता है उसे बताने की वैसे आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इसका आंसर जरूर लिखूंगा आपके सामने। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ऊपर वाले के तो फैक्टर करेंगे और नीचे वाली संख्या यहाँ कॉमन ले लीजिए x², यहाँ कॉमन ले लीजिए 1, आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने क्वेश्चंस कर लिए, हम हर टाइप के कोशिश कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस कवर कर पाए। तो ये दूसरी टाइप हमारी क्रैश कोर्स के हिसाब से फिनिश होती है। मैंने बताया कि क्रैश कोर्स आप कर रहे हो, इसको कंप्लीट भी कराया गया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो इसके कंप्लीट क्वेश्चंस। लेकिन क्रैश कोर्स में उतने क्वेश्चंस करने जरूरी हैं जितने की आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाओ। तो टाइप थर्ड के पास चलते हैं। टाइप सेकंड आपको समझ में आ गई, टाइप थर्ड है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आप कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई अपनी स्टूडेंट्स अपनी कैलकुलेशंस लगाते रहते हैं कि सर इतना सा करने के बाद क्या हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, क्या नंबर आ पाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं सन 2005 से ये अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। ये ऑनलाइन तो मैं अभी रिसेंटली 1-2 महीने के अंदर आया हूं, लेकिन 2005 से मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और ये जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं, मैंने पेपर भी ऑब्जर्व किया है, पिछले 2 या 3 साल के अंदर बहुत इजी पेपर आए हैं, उससे पहले बहुत टिपिकल पेपर हुआ करते थे। तो उसी अनुभव के आधार पर मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं। देखिए जरा सीधी सीधी कैलकुलेशन दिखाइए, मैंने लगाइए, मैंने कितने टाइप बताए आपको, मैंने 11 टाइप बताए। अगर मैं हर टाइप का लगभग 5 क्वेश्चन कराता हूं तो टोटल टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं, 55 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको यहां पर करवा दूंगा इस क्रैश कोर्स के अंदर, और सिर्फ सिलेक्टेड वीडियोस में, सिलेक्टेड क्लासेस में। इसके लिए एक एक महीना नहीं लगेगा आपको। अब 55 क्वेश्चन में से पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर में मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे बस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक टॉपिक को टच करना जरूरी है, हर टॉपिक को समझना जरूरी है, उसका बेसिक जानना जरूरी है। लेकिन ये नहीं कि आप एक टॉपिक जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या फैक्टराइजेशन मेथड, आप फैक्टराइजेशन मेथड के आरडी शर्मा के अंदर लगभग 22 क्वेश्चंस के आसपास हैं, 20+। अब 20+ क्वेश्चन कर लो, या मैंने जो कराया वो 5 क्वेश्चन कर लो। तो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि मुझे फॉलो करना है, और ये पूरा का पूरा कोर्स जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है इसको कंप्लीट करना है, स्किप नहीं करना है। मैं स्लो इसलिए करा रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसको देर से समझ में आता है, अगर आप तेजी से समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप स्पीड में कर लो। YouTube पे एक ऑप्शन होता है जिसमें आप किसी भी वीडियो को का स्पीड बढ़ा सकते हो, तो आप जल्दी जल्दी भी देख सकते हो, लेकिन देखेंगे सारा, आप स्किप नहीं करेंगे, आप उसे कट नहीं करेंगे। प्लीज देखिए, रैशनलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। जब भी कभी रूट होता है डिनोमिनेटर में तो हम उसका रैशनलाइज कर देते हैं। यहां पर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हम परिमेयकरण क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एंड देन रूट ऑफ 1+x+x² देन -1/ में यहां पर लिखा है x। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखेंगे ऊपर आपको रूट मिल रहा है, नीचे जीरो लिख रखा है। अगर मैं लिमिट पास करता हूं जीरो तो मेरे को परेशानी हो जाएगी ना, क्योंकि नीचे जीरो आने का मतलब इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं दूसरे के पास जाऊंगा, दूसरा टाइप था फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने कहीं नहीं बताया और कहीं नहीं होता कि जहां पर रूट दे रखा है, जैसे ये रूट, तो इसको हटाने का कोई तरीका फैक्टराइजेशन के पास तो नहीं है। तो फिर हमने नया मेथड सीखा और उसका नाम था रैशनलाइजेशन मेथड। ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि अगर कभी भी किसी रैशनल नंबर के अंदर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में रूट हो तो अपोजिट साइन से न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अगर रूट ऊपर दे रखा हो तब भी सेम काम, अपोजिट साइन से न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको दोनों पे रूट दे रखा हो, ऊपर भी दे रखा हो नीचे भी दे रखा हो, तो भैया आप दो बार काम करेंगे, नीचे के लिए भी डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऊपर के लिए भी दोबारा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, दो बार लिखना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं लिमिट में रैशनलाइजेशन मेथड। ये जो बात मैंने बोली इसको करते हैं तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए ऊपर रूट दे रखा है, मेरे को करना क्या है, मैं लिखूंगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो देन रूट ऑफ
वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और अब की बार प्लस वन लिखा जाएगा, यानी कि ये जो निशान है बीच का ये बदल जाएगा, अंदर वाले निशान नहीं बदलेंगे क्योंकि रूट के अंदर वाली संख्या एक पूरी प्रॉपर संख्या होती है। उसके बाद नीचे लिखेंगे वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वन। तो फाइनली आपको समझ में आया, इसे ही रैशनलाइजेशन कहते हैं जो मैंने अभी आपके सामने किया। ये प्रोसेस फॉलो कब करना पड़ा, क्योंकि मुझे लिमिट को इनडिटर्मिनेट फॉर्म होने से बचाना है। अब ये समझ में आ गया आपको, तो ये भी समझना होगा कि अगर ये हो गया इतना काम, तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता लगा, a की जगह किसने ले ली, ये पूरे के पूरे रूट ने ले ली, और b की जगह किसने ले ली, ये एक ने ले ली। तो यानी कि एक और ये पूरे की पूरी रूट के अंदर लिखी गई संख्या को हम रिप्लेस करेंगे। किस तरीके से रिप्लेस करेंगे ये देखिए, x टेंस टू जीरो, यहां पर आएगा रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि देखेंगे राइट साइड में यही रूल था ए स्क्वायर माइनस का वन का स्क्वायर, और डिवाइड में ये पूरी की पूरी संख्या जो लिखी है ऐसे की ऐसी कॉपी कर ली जाएगी। और कैसे लिखा जाएगा वो देखिए, ये लिखा जाएगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर देन प्लस का वन, ये आपने लिखा ब्रैकेट लगा दिया यहां पर। देन अब आप अगला स्टेप करेंगे, तो मेरे हिसाब से अगला स्टेप आपको पता होना चाहिए क्या होगा। अगला स्टेप बहुत सिंपल है, अगले स्टेप में आप लिखेंगे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आप लिखेंगे माइनस का वन का स्क्वायर वन होता है। देन नीचे आप देखेंगे तो एक्स लिखा है ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वन। होप्सो आपको समझ में आ रहा है, एक एक करके मैं बताता जा रहा हूँ स्टेप्स। माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, और आप देखेंगे तो यहां से एक्स कॉमन आ रहा है, तो आप एक्स कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स कॉमन लेंगे, यहां लिखा जाएगा वन प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज देन अपॉन में लिखा जाएगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वन, और साथ में आगे क्या लिखा हुआ है एक्स भी लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो हमें जो परेशान कर रहा था वो ये x कर रहा था, ये x हमने कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग में जब देखिए, ये हमें x ही तो परेशान कर रहा था, ये वाला x। अब ये x नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन तो ऊपर ही हो चुका होता, ये x यहाँ पर आके कैंसिल हुआ है। जब x कैंसिल हो गया तो लिमिट पास करेंगे, मैं डायरेक्ट लिमिट पास कर रहा हूँ वन प्लस जीरो अपॉन में रूट ऑफ वन प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस वन। देन अगले स्टेप पर चलेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन में देखेंगे इसे सॉल्व करके तो वन आएगा, और वन का रूट भी वन होता है प्लस वन, एंड देन फाइनल आंसर इज वन अपॉन टू इज द फाइनल आंसर। होप सो आपको सभी को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से रैशनलाइजेशन होता है। नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से इस वीडियो को जाके रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ में आ जाए। आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और मैथ्स पढ़ते वक्त अगर आपने कोई चीज स्किप कर दी तो बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है, ये आपकी सेल्फ स्टडी होमवर्क दे दिया मैंने, और मैंने बताया है कोई भी होमवर्क इस पूरे के पूरे सेशन में जो क्रैश कोर्स आप कर रहे हैं उसमें से अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पार्टिकुलर इंडिकेट करोगे, और सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करोगे, देन मैं आपको गूगल क्लासरूम का कोड बता सकता हूँ जिसे ज्वाइन करके आप इन सब का सोल्यूशन या इन सब पर डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है ना। वहां और भी स्टूडेंट्स होंगे, वो भी आपको कुछ चीज सजेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर, ये आपको निकालना है, इसका आंसर क्या है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। इसका आंसर है हमारे सामने वन अपॉन टू ए, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, करना आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, जैसे कि मैंने ऊपर वाली संख्या का रैशनलाइजेशन किया है तो नीचे वाली संख्या का भी होता होगा। तो देखो ये क्वेश्चन लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये दे रखा है टू एक्स अपॉन में, और यहां दे रखा है रूट ऑफ ए प्लस एक्स देन माइनस रूट ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है। आपके सामने ये संख्या दे रखी है, आपको दिख गया कि डिनोमिनेटर में रूट है। आप देख सकते हो कि अगर मैंने जीरो यहां पर पास किया इधर भी और इधर भी, तो यहां आंसर आएगा रूट ए, यहां पर भी आंसर आएगा रूट ए, और रूट ए माइनस रूट ए जीरो होता है जो कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म होगी, और ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें किसके पास जाना पड़ा, हमें रैशनलाइजेशन के पास जाना पड़ा। तो रैशनलाइजेशन मेथड क्या कहता है, कहता है पहले क्वेश्चन लिखिए, ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन,
फिर आप जहां पर भी रूट है अपोजिट साइन से, और ध्यान रखना साइन बीच वाला देख रहा हूं, ये साइन नहीं देखा जाएगा क्योंकि रूट के अंदर कंप्लीट एक संख्या है, इस साइन को कंसीडर नहीं करते, ऐसे ये वाले साइन को भी नहीं देखा जाएगा, बीच वाले साइन को देखा जाएगा, ध्यान रखना ये बात। तो अपोजिट साइन से आप क्या करेंगे, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड, ए प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स, डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स, ये आपने डिवाइड कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद फिर वही पुराना फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहचानना यह है कि ए कौन है, ये ए कौन है, ए है ए प्लस एक्स का रूट, बी कौन है, बी है ए माइनस एक्स का रूट, देखेंगे ये वाली कंडीशन माइनस किया तो यहां से फॉलो की जाएगी और प्लस वाली संख्या जो है वो यहां आएगी, दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको कैसे फॉलो करना है वो देख लीजिए अगले स्टेप में। ये है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहां लिखा जाएगा टू एक्स ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स, ये हमने लिख दिया सीधा सीधा क्वेश्चन। अब नीचे देखेंगे तो आपको क्या फॉर्मूला दिख रहा है, रूट ऑफ ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस रूट ऑफ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जिस स्टूडेंट को यह समझ नहीं आ रहा है जो मैंने अभी लिखा, वो समझ में नहीं आया स्टेप, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखिए जब आप कोचिंग या किसी कॉलेज में पढ़ते हो या फिर कोई लेक्चर अटेंड करते हो, वहां टीचर्स दोबारा बता देते हैं, तो यहां पर भी बनता है कि हम दोबारा बताएं, तो देखेंगे जरा सब जने दोबारा क्या लिखा है। ये लिखा है ए, ये लिखा है b और a माइनस बी हुआ ही है, ये लिखा है आपके सामने a प्लस, ये लिखा है आपके सामने b, गौर से देखेंगे a जो पहली बार में था वही a यहां पर लिखा हुआ है, सेम संख्या। तो a माइनस बी और a प्लस बी की जब मैं बात करूंगा और बीच में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना ही है। अब a कौन है, a है हमारे सामने ये पूरी की पूरी रूट में लिखी गई संख्या, तो वही मैंने यहां लिखा है। तो होप सो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको रिप्लेस करना है। देखो जो मैथ्स नहीं जानते या जो मैथ्स को अभी तक नहीं पढ़े थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर चैलेंज हो जाता है पास करना, पासिंग मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए बहुत सिंपल है, बस आपको मेरे साथ साथ मेरे को फॉलो करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ वैसे वैसे आप कॉपी पे करते जाओ, आपको अपने आप आ जाएगा। ये लिखा हुआ है रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स, देन डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखना रूट के ऊपर अगर स्क्वायर दे रखा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। वैसे कैंसिल नाम की चीज मैथ्स में कभी होती नहीं है, लेकिन हम इसे ऐसे ही सिखाते हैं, अदरवाइज इसका एक्चुअल प्रोसेस ये था कि a प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 की पावर 2, और पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड करके a प्लस एक्स की पावर 1 एंड दिस इज फाइनल आंसर। लेकिन इतना सारा कौन किस स्टूडेंट को सिखाए, हम तो सीधा सीधा बोल देते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे कनेक्ट भी कर लेते हैं कि कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बची हमारे पास संख्या a प्लस एक्स माइनस, और ये संख्या बची a माइनस एक्स। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि यहां निशान जो है ये माइनस का दे रखा था, तो अगर माइनस का निशान ये दे रखा है तो अंदर वाले निशान बदल जाते हैं और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बात भी आपको अपने जहन में रखनी है। और जैसे ही आपने ये सारी बातें अपने जहन में रखी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। देखो इस a से ये एक कैंसिल हो चुका है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो चुका है बेसिकली। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो टू एक्स ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस का रूट ऑफ ए माइनस एक्स, और उसके बाद अपॉन में एक्स और एक्स एड करेंगे तो टू एक्स। हमें परेशानी किसके साथ थी, हमें परेशानी तो x के साथ थी ना, कि डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए, x हट चुका है। जैसे ही डिनोमिनेटर से x हटा, यानी कि जैसे ही वो कंडीशन हटी जो इसे इंडिटरमिनेट फॉर्म कर देती, हम लिमिट पास कर देंगे। हम लिमिट पे लिखेंगे a प्लस जीरो प्लस रूट ऑफ ए माइनस जीरो। तो आपने जैसे ही इसे सॉल्व किया, ये आपका आंसर आ जाएगा रूट ऑफ ए एंड रूट ऑफ बी, एंड दिस इज टू रूट ऑफ ए। होप सो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, और आपको ये भी समझ में आ गया कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में
2x, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है और इसका आंसर भी जरूर मैं लिखूंगा आपके सामने। तो इसका आंसर आपके सामने है 1/2। ये करके लेके आइएगा और इसे अच्छे से करिएगा, आंसर जरूर मैच करिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेता हूं, तो एक चैलेंजिंग सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन, मैंने कहा कि अगर दोनों पे रूट हो तो क्या करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू वन लिखा हुआ है, ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस का रूट ऑफ एक्स और नीचे दे रखा है आपको रूट ऑफ एक्स माइनस का वन। देखिए ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो आपको दिख ही रही है कि अगर वन यहां पास कर देंगे तो आंसर नीचे जीरो ही आएगा। अगर यहां पर प्लस लिखा होता, सपोज ये प्लस कर दिया मैंने, तब ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन होता, लिमिट पास करते आंसर जीरो आता, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। लेकिन प्रॉब्लम तो इसके साथ हो गई कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैंने कहा जब दो बार रूट दे रखा होता है तो दो बार हम रैशनलाइज करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लीजिए, ये आपको दे रखी है संख्या, क्वेश्चन दे रखा है ये, आप मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे तो रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन में रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ऊपर वाली संख्या को रैशनलाइज करेंगे तो है एक्स स्क्वायर प्लस का रूट ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का रूट ऑफ एक्स। तो आपने देख लिया किस तरीके से दोनों संख्याएं हम रैशनलाइज कर सकते हैं, तो आपको भी ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगले स्टेप पे हम देखते क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन, देन आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्या दिख रही है आपको। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले के तहत आपके सामने बनेगा, यहां पर जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो मैंने आपके सामने हाईलाइट करके लगाया, ये फॉर्मूला किस पर लगाया है, जो ये आपको एरो लगते हुए दो क्वेश्चन दिख रहे हैं ए माइनस बी, ये है आपके सामने ए, मैं अभी बता देता हूं आपको, ये आपके सामने ए है, ये संख्या आपके सामने ए है, ये संख्या आपके सामने बी है, बीच में निशान माइनस का है। ऐसे ही ये आपके सामने ए है, ये आपके सामने बी है और बीच में निशान प्लस का है। तो होप सो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, बस आपको कंसंट्रेट करना है, बस आपको मेहनत करनी है। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये रूट ऑफ एक्स प्लस वन जो बीच में लिखा हुआ था, ये वाली संख्या ये सिर्फ कॉपी करनी थी, मैंने कॉपी कर ली। साथ में आगे बढ़ जाते हैं, तो अगली संख्या जो है ये देखिए, फर्स्ट दो संख्या दिख रही है आपको a माइनस बी और a प्लस बी, यहां पर भी लग रहा है फॉर्मूला, a की जगह रूट एक्स आ गया और b की जगह वन आ गया, तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और आया एक्स स्क्वायर प्लस का रूट ऑफ एक्स। देन फाइनली आपको बात समझ में आ गई है, तो अब इसे सॉल्व करना रह गया है, देखिए कैसे सॉल्व करें। लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है भाई, ये होता है एक्स की पावर फोर माइनस रूट काट देंगे जब कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। देखिए यहां पर बात कर रहा हूं, एक तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा हूं बात, फोर हो गया और ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, ये दो बात करी मैंने। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ये है आपके सामने रूट एक्स प्लस वन और डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी सेम वही प्रोसेस, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आपके सामने क्या बना, ये बना एक्स माइनस वन और इसके साथ में एक्स स्क्वायर प्लस का रूट एक्स। लिमिट पास तो अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे जीरो बन जाएगा, तो ऊपर आपको संख्या दिख रही है जो उसमें से कॉमन भी तो आता हुआ दिख रहा है, मैंने कहा था ना फैक्टर कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन बचा, ये बचा एक्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन में ये बचा एक्स माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का रूट ऑफ एक्स। अब सो आपको समझ में आ गया होगा, देन आप गौर से देखिए क्या इस वन पर क्यूब नहीं लगा सकते, यस लगा सकते हैं, क्या ये फॉर्मूला नहीं बनता, हाँ बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनता है जरा बताइए, अभी मैंने ऊपर लिखवाया था, आपको रिपीट कराने के लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यस एंड देन ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये आपके सामने फॉर्मूला है और आपको ये समझ में आता है, अगर ये समझ में आता है तो एप्लीकेबल भी कर लेते हैं। एप्लीकेबल करना बहुत आसान था, ये है x फिर ब्रैकेट x माइनस वन ओके नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू में वन प्लस का वन का स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला एप्लीकेबल किया, उसके साथ साथ रूट ऑफ x प्लस वन बिल्कुल डिक्टो कॉपी कर देना है और डिवाइड में लिखना है मेरे को x माइनस वन एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x। Now, आप देखेंगे गौर से तो आपको ये x माइनस वन से ये x माइनस वन कैंसिल होता हुआ दिखेगा,
जब ये कैंसिल हो जाएगा तो नई जो कंडीशन, नई जो टर्म है उसके अंदर आप लिमिट पास करेंगे, तो लिमिट पास करने पे यहाँ आएगा 1, ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह 1 लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में 1 प्लस का 1 का स्क्वायर। आप गौर से देखोगे मैंने कहां पर वैल्यूज रखी हैं, यहां पर पूरे में एक्स की जगह 1 रख दिया, यहां पर एक्स की जगह 1 रख दिया। अब बारी आई इसकी, अब इसकी बारी आई तो यहां पर भी 1 रखना चाहिए, तो कैसे रखेंगे, रूट ऑफ 1 प्लस 1 एंड देन डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1। ओके, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से लिमिट पास करते हैं। जैसे ही लिमिट पास करें लिमिट हट जाती है, ये नहीं लिखा जाता, हम डायरेक्ट ऐसे एरो लगा सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे भाई, हम ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, फाइनली 3 आ गया, इंटू में 3 के साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई 2 की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 अपॉन में आ जाएगा 2, तो सॉल्व करके आंसर 3, एंड 3 इज द फाइनल आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये पांचवा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो रिपीट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के पास चलते हैं। अगला टाइप हमसे क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट टाइप, तीन टाइप हो चुके हैं, आप ऊपर से टाइप को पहले ही कॉपी कर चुके होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि अगला टाइप हमारे पास क्या आता है। ये तीनों टाइप तो एक ही कैटेगरी थे, अब आते हैं टाइप फोर के पास। टाइप फोर हमारे पास है जिसका नाम है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड लिमिट भी कह सकते हो, या स्टैंडर्ड रिजल्ट लिमिट भी कहते हैं, या फिर लिमिट इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे लिखते हैं, लिमिट, लिमिट, लिमिट्स इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स रेस टू द पावर एन माइनस ए रेस टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, आंसर आता है एन ए रेस टू द पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला है, आपको ये अच्छे से कॉपी पे लिख लेना है, हर लिमिट के टाइप के लिए उसका फॉर्मूला, उसका कंडीशन वो याद रखनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसे किया जा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए देन एक्स रेस टू द पावर 2/7 माइनस ए रेस टू द पावर 2/7। ओके, ये आपके सामने फॉर्मूला क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको सीधा सीधा दिखता है कि सर इस पर तो एक फॉर्मूला लग सकता है, और वो फॉर्मूला क्या है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर आपके सामने फॉर्मूला ही तो लिखा हुआ है, ये देखो x की पावर n और यहां पर x की पावर 2/7 आ रहा है, तो यानी कि x की जगह पर तो x रहेगा, n की जगह पर 2/7 रहेगा, और a की जगह पर किसकी वैल्यू आ गई, देख के बताइए, a की जगह पर a रहेगा एज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में x के स्थान पर x है, a के स्थान पर a है, लेकिन n के स्थान पर 2/7 है, ये देखिए। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन लेफ्ट वाला हिस्सा, और राइट वाला जो पार्ट है वो हमारा आंसर बनने वाला है। तो राइट वाला पार्ट बस आपको रटना है, याद करना है, आंसर आ चुका है, क्या लिखा है राइट में, n, n की जगह क्या आएगा 2/7, फिर क्या लिखा है a, a की जगह क्या आएगा a, फिर क्या लिखा है n माइनस वन, तो यानी कि 2/7 - 1, देन फाइनली आपका ये आंसर आ गया, इसे आप एलसीएम लेके घटा देना तो आंसर आया माइनस का 5/7। आप इसको ऊपर वाली संख्या को, ये जो संख्या है ये एलसीएम लेके घटाएंगे, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कितने आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये सम स्टैंडर्ड रिजल्ट का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रिजल्ट लिमिट है ये। ओके, तो समझ में आ गया आपको। देन अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, और वहां पर यह है क्वेश्चन में, देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू -1/2 देन 8x³ + 1 अपॉन में 2x + 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। आप देखेंगे तो लिमिट पास करेंगे तो नीचे इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, लिमिट पास नहीं कर सकते। हाँ, इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, इस 8 को आप लिख सकते हो 2³ और ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा और आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं तो रैशनलाइजेशन, मैं तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूँ ना, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट का, आप पेपर में करोगे तो वहां नाम नहीं देता, तो इसे
फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम इसको एक थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन बाई टू, देन 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो इसे 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, नीचे 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, ऊपर माइनस नहीं है, प्लस है, ठीक है। ये संख्या यहां तक बनी। अब जब मेरे सामने ये संख्या बन गई तो सबसे पहले तो मैं रूल के पास जाऊंगा और मैं चेक करूंगा क्या ऐसा कोई रूल होता है। तो देखिए ये रहा वो रूल, रूल है लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, और रूल क्या होता है इसका, रूल होता है n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं कौन कौन क्या बना। तो ये जो x था आपके सामने, ये जो संख्या x है, ये x यहां पर भी दिख रहा है लेकिन यहां जगह बदल गई, यानी कि x की जगह पर तो 2x लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो a, ये a की जगह पर क्या लिखा जाएगा भाई, a की जगह देखिए गौर से, 1, a की जगह पर 1 लिखा जाएगा। उसके बाद n, ये तीसरा वाला n, n की जगह पर क्या लिखा जाएगा गौर से देखिए, n की जगह पर 3 लिखा जाएगा। और बाकी सारा फॉर्मेट सेम है, ये देखेंगे आप x और n सब कुछ सेम है, लेकिन यहां प्रॉब्लम है, यहां है निशान प्लस का और यहां है निशान माइनस का, तो भाई ये तो परेशानी आ गई। तो इस परेशानी का निवारण, इस परेशानी को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो मैं इस प्लस को माइनस बना सकता हूं। प्लस को माइनस कैसे बनाया जा सकता है भाई, देखिए हमें फॉर्मूले से मैच करना है तो प्लस को माइनस तो बनाना पड़ेगा ना, तो देखियो कैसे बनेगा माइनस, ध्यान से देखना। कुछ चीजें जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो हम करेंगे। हमारा नया मॉडिफाई होने के बाद क्वेश्चन बना x टेंस टू माइनस वन बाई टू एंड देन 2x का होल क्यूब माइनस माइनस 1 का क्यूब। जरा गौर से देखिए, माइनस 1 का क्यूब भी तो माइनस 1 ही होता है, और यहां लिखा है 2x माइनस माइनस 1। अब ये ध्यान से समझ में आ गया कि हाँ भाई, अब हमें a जो है वो प्रॉपर मिल गया, यानी कि पिछला वाला a जो 1 था वो नहीं था, और नया a जो हमें मिला वो मिला माइनस का 1। देखो कितने अच्छे तरीके से आपको ये समझना है, आपका काम है समझना। अगर आपको डाउट है तो मैं बता सकता हूं, लेकिन आपका काम है इसे कोशिश करना है कि इसे समझो, क्योंकि जो फॉर्मूले में माइनस था वो क्वेश्चन में नहीं था, तो माइनस बना दिया, मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग बनाया। आगे बढ़ते हैं, ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये वाला देखिए, ये लेफ्ट वाला हिस्सा, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, और राइट वाला हिस्सा हमारा आंसर बनने वाला है। तो एन लिखेंगे पहले, एन की जगह पर क्या लिखा है 3, ए लिखेंगे उसके बाद ए की जगह पर लिखा है माइनस 1, और फिर उसके बाद लिखेंगे n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। तो फाइनल आंसर आ गया 3 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव का 1 होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 पॉजिटिव का 1, आंसर आया 3। 3 इज द फाइनल आंसर। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। कोई चीज आपको जिस तरीके से आप देख रहे हो मैं उस तरीके से नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट x टेंस टू माइनस 1, यहाँ पर लिखा है x क्यूब प्लस 1 अपॉन में, यहाँ पर लिखा है x प्लस 1, ओके। तो इसे सॉल्व करने का काम आपका, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आंसर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास 3, ये मैंने आंसर लिख दिया, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ अगले 2 क्वेश्चंस और हैं इसके अंदर, वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ लेना और खुद से करने हैं वैसे तो आपको। ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, इफ लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर n माइनस का 3 की पावर n अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू 108, ओके, देन फाइंड the all value या फिर the value of a, आप a की value find करेंगे। तो कैसे find करेंगे, देखिए left वाले part में आपको formula direct लगा सकता हूं मैं, formula होता है n 3 की power n minus 1, और right वाले part का मैं factor कर सकता हूं। तो 108 के जब मैं factors करने जाऊंगा तो क्या होंगे, 2 5 जा 10 4, फिर उसके बाद 2 2 जा 4 7, then उसके बाद 3 9, then उसके बाद 3 3, देन उसके बाद 3 1। तो आप देखेंगे 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2 बना, तो आप लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3, आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग,
आप कंपेयर करेंगे इसमें वी गेट, हमें क्या मिलेगा कंपेयर करने पे, हमें मिलेगा देखिए आप कंपेयर करिए ये एन कंपेयर करिए 2k² के साथ, 3 की पावर n माइनस 1 कंपेयर करिए 3 की पावर 3 के साथ, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आपके सामने आएगी, यहाँ है n इज इक्वल टू 2k², यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3, देन यहाँ से भी n की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ से भी n की वैल्यू 4 ही आएगी। आप गौर से देखिए 1 उधर जाने के बाद जुड़ जाएगा, तो यानी कि n की वैल्यू आ गई 4 और आपका हो गया ये आंसर। देन अगर ये आंसर आपको आ गया है समझ में, तो जल्दी से लास्ट होमवर्क लेके क्लास एंड करते हैं, अगली क्लास में अगले इसी को कंटिन्यू करेंगे और बाकी के टाइप्स को सीखेंगे। तो अगला जो हमारे पास है वो क्वेश्चन ये दे रखा है कि इफ इफ यहां पर है, इफ एक्सटेंस टू लिमिट एक्सटेंस टू ए एक्स रेस टू द पावर 5 माइनस ए रेस टू द पावर 5 अपॉन में एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 405, देन फाइंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसे खुद से सॉल्व करना और इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आपके सामने है, यहां लिखता हूं मैं, इसका आंसर है ए इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू -3, प्लस और माइनस दोनों, ऑल पॉसिबल का यही मतलब हुआ। ठीक है, तो होप सो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, आज का टाइप समझ में आ गया होगा। ये सीरीज हमारी आगे कंटिन्यू की जाएगी, ये सीरीज के अंदर टोटल हमारे पास एक मंथ का कोर्स है, तो एक मंथ यानी कि 1 मंथ का जो हमारे पास कोर्स है उस पूरी की पूरी वीडियो को देखना है, ईच एंड एवरी टॉपिक उसमें कराया जाएगा। तो होप सो आपको चीज समझ में आई है, समझ में आई है तो अगली वीडियो का वेट करिए या फिर अगले वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय बाय गाइस।